पहले जिस कैमरा से मैं वीडियो बनाता था वो कैमरा को मैंने आज चेंज किया है। एक्चुअली इस कैमरा का रिव्यू मैं ले रहा हूँ कि कितनी अच्छी क्वालिटी का वीडियो हमें मिलती है। गुड इवनिंग गाइज, सो वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल द बस ब्लॉग। सो इस वक्त मैं हूँ लखीपुर, जो कछार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और यहाँ पे मैं कल ही आया था मेरा दीदी के घर में। तो गाइज यहाँ पे आके मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई दोस्त वगैरह नहीं है। और तो भाई टाइम पास करना है तो मैं आ गया इस ब्रिज में। और तो भाई यहाँ का मतलब नेचर का मजा ले रहा हूँ, और आप सबको एंटरटेनमेंट करने के लिए एक वीडियो भी बना रहा हूँ। तो यार अगर आप में से कोई भी बंदा मेरा चैनल पे नया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करो, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करो, ठीक है। और गाइस ये जो ब्रिज है ना, ये दीदी के घर से करीब आधा किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, तो आने में थोड़ा टाइम लगा और मैं पैदल चल के आ गया भाई। और लॉकडाउन में कोई गाड़ी वगैरह तो है नहीं इस वक्त। और सामने का व्यू देखो यार, वो देखो दूर दूर का पहाड़ भी यहाँ से दिख रहा है, और नज़ारा बहुत ही मस्त है चारों तरफ का। वैसे आपको बोराकबली में ऐसे तीन डिस्ट्रिक्ट मिल जाते हैं, और इन तीनों डिस्ट्रिक्ट में तीन बड़े बड़े नदी है। एक तो आपको मिल गया हाइलाकंडी डिस्ट्रिक्ट, जो दूसरे में आती है करीमगंज डिस्ट्रिक्ट, और तीसरे में आती है कछार डिस्ट्रिक्ट। तो कछार डिस्ट्रिक्ट में ये नदी स्थित है, और आपको करीमगंज डिस्ट्रिक्ट में मिल जाएगा कुशियारा नदी, और हाइलाकंडी डिस्ट्रिक्ट में मिल जाएगा धनेश्वरी नदी। तो इन तीनों डिस्ट्रिक्ट में तीन बड़े नदी, और तीन बड़े नदी में से ये नदी सबसे बड़े है। तो गाइज अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो वो जाके चेक करो, क्योंकि उसमें मैंने मिजोरम के जो पाइनएप्पल गार्डन है उसको कवर किया था, और बहुत ही मस्त वीडियो हुआ है। सभी से मुझे सपोर्ट मिला है उस वीडियो को मतलब अपलोड करने के बाद सभी से मुझे कमेंट मिला है। व्हाट्सएप में भी काफ़ी सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया है, तो वो वीडियो बहुत मस्त हुआ है, जाके जल्दी से चेक करो। वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। वैसे गाइस इस वीडियो में मेरा मकसद है कि पहले जिस कैमरा से मैं वीडियो बनाता था वो कैमरा को मैंने आज चेंज किया है। एक्चुअली इस कैमरा का रिव्यू मैं ले रहा हूँ कि कितनी अच्छी क्वालिटी का वीडियो हमें मिलती है। वैसे कैमरा का वीडियो क्वालिटी बहुत मस्त है, मैंने चेक किया है, लेकिन इसमें जो मेरा फेस दिख रहा है वो उतना खास नहीं लग रहा है मेरे को, थोड़ा टेढ़ा मुड़ा ऐसा दिख रहा है, तो ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। लेकिन अगर आपको ये वीडियो क्वालिटी अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट में बताना, और अगर आपको जानना है कि किस कैमरा से मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं उसका रिप्लाई दे दूँगा। और इसका जो स्टेबलाइजेशन है ना, वो भी बहुत मस्त है। आप यहाँ से देख रहे हो स्टेबलाइजेशन देखो, बहुत मस्त है यार। तो बहुत कम प्राइस में मुझे बहुत अच्छा कैमरा मिल गया। और गाइस मेरे पास कोई गिम्बल नहीं है, और बिना गिम्बल के वीडियो बना रहा हूँ, और मैंने इस कैमरा को हाथ से पकड़ा है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि स्टेबलाइजेशन कितना अच्छा है। अभी मैं थोड़ा दौड़ के आपको दिखाता हूँ कि स्टेबलाइजेशन कितना है, मतलब उतना तो ख़राब नहीं है। आपने देखा होगा मैंने दौड़ा भी है, तो मतलब स्टेबलाइजेशन उतना ख़राब नहीं है, बस चल जाएगा। क्वालिटी अच्छी आती है, वही मेरे लिए बहुत बेकार है, और मुझे इस टाइप का कैमरा ही चाहिए था, और मुझे वो मिल गया बहुत ही कम प्राइस में। तो आप कमेंट में कुछ बताना यार। और भाई व्यू देखो यहाँ का, बहुत मस्त है, देखा क्या नज़ारा है यार। देखो स्टेबलाइजेशन देखो, बहुत मस्त है, इससे अंदाजा लगा सकते हो इसके मेरा। मैं उस ब्रिज से अलविदा ले लिया, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ यार लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना।
और अंधेरा भी हो रहा है, मुझे घर जाना है। तो थैंक यू, बाय, फिर मिलेंगे और एक वीडियो के साथ। बाय।